तो भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। और सब भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी ठीक ही हूँ। तो गाइस, मैं हूँ आदिल, नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वैसे भी इतना फेमस हूँ नहीं मैं। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल फन फैक्ट एंड व्लॉग पे। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस छोटे से चैनल को, अपने से इस छोटे से चैनल को बड़ा करने में मेरी मदद करो, मेरे साथ आओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर से करना। तो चलो बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज, आज आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ एक इत्तू सा व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहां पे जाने में फर्स्ट टाइम में सबको थोड़ी नर्वसनेस फील जरूर होती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मेरा बोर्ड का अंतिम एग्जाम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबकी एग्जाम तो हो गई खत्म, ये किस एग्जाम की बात कर रहा है, और आप ये भी समझ गए होंगे आज मैं आपको लेकर कहाँ जाने वाला हूँ। जी गाइस, बिल्कुल सही समझे हो, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने एग्जाम सेंटर पे और दिखाने वाला हूँ वहां का हालचाल। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्जाम है, सबके एग्जाम खत्म होने के बाद मैं ये एग्जाम इसलिए देने जा रहा हूँ क्योंकि पता तो चला आपको कि 10th एग्जाम देने के बाद मुझे 3 कुत्तों ने काटा था, वो भी पागल क्या बोला तूने? कुत्ते थे। पहले कुत्ते काटने से ऑब्वियसली मैंने इंजेक्शन नहीं लिया होगा, आप क्या करते, इंजेक्शन नहीं लेते, तो ऑब्वियसली पहले कुत्ते काटने से मैंने तो इंजेक्शन लिया, और गाइस दूसरे कुत्ते काटने से मैंने ले लिया साइंस। साइंस तो ले ली भाई, अब साइंस पता नहीं थी मुझे कि साइंस मेरी भी लेगी, तो ये साइंस दूसरे कुत्ते के काटने से मैंने लिया था, और तीसरा जो कुत्ता था उसने काटा तो मैंने एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ले लिया। शाबाश, तो बजाओ ताली। तो गाइस, एडिशनल सब्जेक्ट लेने के बाद आपने ये तो सुना होगा कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। तो गाइस, एडिशनल सब्जेक्ट लिए मैंने तो भरना भी मुझे ही पड़ेगा। एडिशनल सब्जेक्ट लेने के बाद एडिशनल सब्जेक्ट ने मेरी ले ली, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो गाइस। एडिशनल सब्जेक्ट तो ले ली थी मैंने, उसकी लास्ट वाली एग्जाम जो है, मतलब जो आज मैं देने वाला हूं, आज जो मैं जाने वाला हूँ एग्जाम देने एडिशनल सब्जेक्ट की, वो एग्जाम, सबकी एग्जाम खत्म हो गया, और मुझे लग रहा है कि एग्जाम सेंटर पे सिर्फ मैं ही आज अकेले जाने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं कि जिस कॉलेज से मेरी एडमिशन थी उस कॉलेज में किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट लिया होगा, वैसे अगर लिया भी होगा तो चुनिंदे हो गए। मुझे लग रहा है कि मुझे आज अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा उर्दू का एडिशनल सब्जेक्ट है। तो भाई चलते हैं अभी हम लोग एग्जाम सेंटर पे, और रास्ते के कुछ व्यूज दिखाता चलूंगा आपको ताकि आप बोर ना हो, और मेरे बोरिंग साइकिल को देखने से बेहतर है कि आप वीडियो को आगे देखें। चलो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो फाइनली गाइस, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और ये हूँ मैं, ये है मेरा एडमिट कार्ड, और ये पीछे मेरा एग्जाम सेंटर। अब हम एग्जाम दे रहे हैं, अपना करनी को भुगतने के लिए एग्जाम सेंटर पे पहुँच चुके हैं, और ये जो मेरे पीछे वो मेरे भैया है बाइक पे, और वो जो गार्ड आपको नजर आ रहे हैं वो एग्जाम सेंटर पे, मतलब उनको कर्म यहाँ पे रखा है देखभाल करने के लिए और निगरानी के लिए गार्ड को रखा है, चीट वीट पकड़ाता है। वैसे फर्स्ट डे तो यहाँ पे चीट पकड़ाया था बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और कोई दिक्कत नहीं, फोन भी बच्चे लेके अंदर चले जाते थे कभी कभी, उनको पकड़ कर बाहर के अंदर एस्ट्रिकेट तो नहीं किया गया किसी को, क्योंकि भाई 1 साल का सवाल होता है, पूरा करियर बर्बाद हो सकता है 1 साल के अंदर में, कुछ भी हो सकता है, बच्चे किधर भी किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। तो गाइस अभी तो अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं क्योंकि अभी टाइम हुई नहीं है, अभी टाइम हो रही है 8:42 टाइम हो गई है, तो 9 बजे के बाद 9:10 में एंट्री मिलती है, तो उससे पहले तो नहीं। और मुझे लग रहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट इकलौता मैं ही हूँ जिसने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है पुणे कॉलेज से, तो वो भी क्या उर्दू लिया है, वो भी उर्दू एडिशनल सब्जेक्ट में लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अकेला हूँगा यहाँ पे, और आज मैं पूरी सेंटर में, इतने बड़े सेंटर में खुद अकेला एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, और मे भी पॉसिबली अगर अच्छा हो कि मेरे लिए कि कोई और भी स्टूडेंट आ जाए यहाँ पे, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि एडिशनल सब्जेक्ट सिर्फ मैंने ही उर्दू लिया है, तो एग्ज़ाम दूंगा उसके बाद मैं। तो पहले तो मैं डर रहा था कि मुझे यहाँ पे अकेला आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा था, बट मेरे साथ एक और भैया, इनको भी किसी पागल कुत्ते ने काटा था, और ये भी मिस्टेक से एडिशनल सब्जेक्ट रख लिए उर्दू, तो इनको भी आज मेरे साथ यहाँ पे आना पड़ गया है, और उम्मीद करता हूँ और भी बंदे आए ताकि मतलब मेरे अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आए। तो भैया से पूछते हैं कि मतलब इनको कैसा लग रहा था घर पे, भैया बताइए आपको घर पे कैसा लग रहा था जब आपको पता चला आज एडिशनल सब्जेक्ट है, घर पे कैसा लगा आपको, आपको क्या फील हो रहा था घर पे? नहीं तो हम वैसे हम मेरा हम पहले सोचे थे मेरा मतलब मेन ही रखने के लिए, अच्छा रखे थे मेन ही, लेकिन
हुआ क्या उसमें, मतलब हिंदी मेन चले गया और उर्दू चले गया एडिशनल में। देखे इनके साथ हो गया है कांड, तो पागल को तेने नहीं काटा इनको, ये खुद पागल हो गए थे, मिस्टेक से चले गया था। उर्दू पढ़े हैं वैसे ये, मैं नहीं पढ़ा अलग बात है, ये पढ़े हैं सब, मेरी तरह होते नहीं निठल्ले, वो भैया पढ़ के आए हैं उर्दू वैसे अच्छे से। तो अभी उम्मीद करता हूँ एग्जाम सेंटर पे क्या हो, अंदर में पता नहीं, वैसे एग्जाम सेंटर के अंदर तो फोन लेके जा नहीं सकता, इसीलिए आपको बाहर थोड़ी व्यूज दिखा दो एग्जाम सेंटर की। और जैसे ये भैया आए हैं उसी तरह कोई कोई और भी खास चलते हुए आ जाए हमारे लिए यहाँ पे, ताकि हम दोनों का भी कॉन्फिडेंस में थोड़ा इजाफा हो। तो अभी आपको दिखा देते हैं थोड़ा हम अंदर का दृश्य, मनमोहक दृश्य है बहुत इस स्कूल का। अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब माउंट जॉन स्कूल है यहाँ पे मधुमनी में पूर्णिया, तो आपको अंदर का दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू, क्योंकि अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है। और वहाँ पे देख सकते हैं आप गार्ड भी बैठे हुए, वो डांट देंगे अगर फोन लेके अंदर। तो गेट से ही आपको थोड़ा अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, चलो। निकल गया, आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, तो विश करो बे। नहीं तो फाइनली गाइस एग्जाम हो गया खत्म और हम लोग एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकल चुके हैं अभी, जस्ट ही तुरंत ही निकले अभी सेंटर पे। और फोन तो मैंने रख लिया था, फोन अंदर लेके गया था वहाँ पे, मतलब कंट्रोल रूम में मैंने जमा कर दिया था फोन को। तो अभी हम लोग एग्जाम देके आ गए हैं। पेपर उतना भी मतलब टफ नहीं था, पेपर ईजी था, पेपर कोई दिक्कत नहीं था पेपर में, उर्दू का पेपर था, वैसे भी लैंग्वेज में वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ही था, एग्ज़ाम अच्छा था। वैसे ज़्यादा छः बच्चे आए थे वैसे, मैं तो सोच रहा था घर पे अकेले ही आऊँगा, लेकिन फिर भी 6 बच्चे आए, बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम देने में। वैसे तो ये आधे घंटे में भी पेपर लिख के बैठ गया था, आधे से पौन घंटे में, और बाकी तो बात ही किया हम लोगों ने आज क्लास में, मतलब टाइम बीत गया 3 घंटे कैसे पता नहीं चला। वैसे लग रहा था बहुत बोरिंग होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्त, बहुत मज़ा आया एग्ज़ाम देने में। और आज फाइनली टेंशन खत्म हो गया, सर का एक बोझ जो था उतर गया, फिर लास्ट एग्जाम भी बोर्ड का खत्म हो गया, अभी तो रिजल्ट का इंतजार है। चलो फिर चलते हैं अब घर।